हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विनोद जांगड़ा, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग टॉपिक के साथ। आज प्रिय विद्यार्थियों, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर मैं आपको दो फाउंडेशन बोल्ड करवाऊंगा। वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि बार बार एग्जाम के अंदर वो पूछे गए हैं, इसलिए मैंने उनको सिलेक्ट किया है। और बिल्कुल ईजी तरीके से कम टाइम के अंदर आपको बताऊँगा कि भी आई फाउंडेशन बोल्ड और रैंक फाउंडेशन बोल्ड कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर टाइटल जो लिखा हुआ है, फाउंडेशन बोल्ड। सबसे पहले हम बनाएंगे आई फाउंडेशन बोल्ड। आपको क्या काम करना है, आई जो फाउंडेशन जो बोल्ड जो आपका जो रहेगा, एक सेंटर लाइन लगा लेनी है, ठीक है ना। सेंटर लाइन में क्या होता है, एक लाइन बड़ी होती है, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, दो सर्कल लगाने हैं। कितने लगाने हैं, दो सर्कल लगाने हैं। पहला जो सर्कल जो मैंने लगाया हुआ है, ये वाला जो सर्कल, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो सर्कल मैंने कितने का लगाया हुआ है, 20 मिलीमीटर का, ठीक है। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट जो सर्कल जो आपका जो रहेगा, ये जो सर्कल है, ये सर्कल जो मैंने लगाया हुआ है 30 का। कितने का, 30 का, ठीक है ना। इतना करने के बाद में हम क्या काम करेंगे, सर्कल दोनों लग गए हैं। उसके बाद देखिए यहां पे ये जो थिकनेस है, आपको पता होनी चाहिए कि भी कितनी रह गई है, कितनी हो गई है, अब ये 20 है ना। क्योंकि 30 का अगर मैं डायमेंशन अगर मैं लेता हूं तो पूरा सर्कल कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। अगर 20 का मैं यहां से लेता हूं तो कितने का हो जाएगा, 40 का। तो 40 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, 20। तो आपको इस लाइन से 10 mm इधर और 10 mm इधर, ठीक है, एक एक लाइन खींचेंगे हम अनुमानित दूरी पे। मान लीजिए कि ये 10 mm मैंने यहां पे ले लिया है, ऐसे रेडी। उसके बाद में एक लाइन और खींचेंगे, इधर लगाएंगे, ये दो लाइन मैंने लगा दी है, देखिए कैसे लगाई हुई है, समझा रहा है ना बिल्कुल। अब क्या काम करना है आपको, ये वाली लाइन इस लाइन पे थोड़ा सा कर्व कर देगा, मैं ऐसे कर दिया ना। अब ये जो लाइन है, ये लाइन इसके अंदर मैच करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे, इस लाइन को ऐसे घुमाते हुए यहां पे टच करेंगे। अब आपको क्या काम करना है, कुछ लाइन को हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे इनको, यानी हमें क्या बनाना है, आई बनाना है, लूप बनाना है। क्या है, आई बोल्ट का दूसरा नाम क्या है, लूप फाउंडेशन बोल्ट। देखो कितने इजी तरीके से बन गया है। अब ऐसे लग रहा है जैसे नीचे से कोई सरिये को गोल किया हुआ है, ठीक है ना। अब हम क्या काम करेंगे, अब ये जो रेशियो रखा जाता है, ये वाला है, ये वाला कितना रहेगा आपका, 2D। अगर फाउंडेशन बोल्ट की अगर बात करें तो हम इसको 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5D, ठीक है ना। इसकी जो सर्कल जो शेप जो रहेगा तो 1.5। उसके बाद आपको क्या काम करना है, इसके ऊपर ऐसे एक लाइन लगा देते हैं, बिल्कुल यहां तक समझ आ गया ना, लगा दिया ना लाइन। अब क्या काम करना है, आपको पता है कि जैसे फाउंडेशन जो बोल्ट होता है, कुछ दूरी के ऊपर ऊपर नट लगाने के लिए थ्रेड्स कटी होती है, तो कहां पे कटी होती है वो थ्रेड्स, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद में एक पार्ट्स लगा देते हैं इसके अंदर, यहां पे कुछ पार्ट्स लगाएंगे इसके अंदर, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे करके, ऐसे। ये मैंने क्या लगा दिया है, कोई पार्ट मशीन का इसने फिट कर दिया है, ठीक है। इस पार्ट के ऊपर क्या लगाई जाती है, हमेशा वार्सल लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, वार्सल। तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक वार्सल लगा देंगे, ठीक है ना। और वार्सल के ऊपर क्या लगता है, आपको पता है, हमेशा नट लगाया जाता है, ठीक है ना, ऐसे यहां पे और कुछ दूरी पे ऐसे। ये लाइन हमें पूरी नजर आएगी वाली, ठीक है ना। अब हमें क्या काम करना है, इसके ऊपर बोल्ट बना देंगे।
अब इसको थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं मैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि ईवीएम ने वार्सल लगाई हुई है। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगाएंगे आप? नट लगाएंगे। नट के लिए आपको क्या काम करेंगे? एक लाइन इसके साइड के अंदर और लगानी है कुछ ऊंचाई पे, और एक लाइन इसके ऊपर कुछ ऊंचाई पे और लगानी है। ठीक है ना, ऐसे कर देते हैं और ऐसे कर। कितनी लाइन होगी ये? अब चार लाइन होगी। कितनी होगी? चार, यानी फोर। फोर लाइन को आप क्या काम करेंगे? पहले वाली को आपको ऐसे कर देना है, लास्ट वाली को ऐसे कर देना है, इसको ऐसे कर देना है, कुछ दूरी पे ऐसे कर देना है। ये आपका क्या बन गया है? ऊपर से नट बन गया है। इसके लिए थोड़ा सा ऊपर कैप दिखा देते हैं नट का। ठीक है ना, तो ये आपका रेडी हो चुका है। इसके बीच में एक सेंटर लाइन लगा देते हैं। और अब आपको क्या काम करना है? नीचे जो होता है ना, नीचे ये वाला जो खाली जो स्थान रहता है, जैसे हमने एक बार को राउंड किया, नीचे से लूप बनाया है, तो इस लूप के अंदर क्या होता है? एक सरिया लगाया होता है इसे। इस सरिये का क्या काम है? जैसे कोई गोलाकार है, गोलाकार के अंदर ये सरिया ऐसे लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या है? जैसे ये नट का ऊपर से दबाव डलेगा तो वो निकले नहीं। ठीक है ना, ये वाला। उसके बाद आपको क्या करना, सुंदर तरीके से आपको क्या करना है, यहां से बिल्कुल एक सीट के अंदर थोड़ा सा इसको और बढ़ा देंगे, बिल्कुल सुंदर तरीके से, बिल्कुल सुंदर तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या काम करेंगे? कॉन्क्रीट भर देंगे। ये क्या भर दिया मैंने? अब कॉन्क्रीट भर दिया। अब आपका देखिए कितने कम समय के अंदर हमने ये आपका तैयार कर दिया है। यहां पे भी लग गया है, ये आपका रेडी हो गया। आई फाउंडेशन बोर्ड लगभग 15 नंबर का ही आता है, 15 नंबर का पूछा जाता है। कितने टाइम में बना दिया? सिर्फ 5 मिनट में। अगला हम देखते हैं, ये देखिए यहां पे, ये हम बना रहे हैं यहां पे रैंक फाउंडेशन बोर्ड। रैंक का मतलब खांचे। अब इसके अंदर खांचे कैसे कटेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे तैयार किया जाता है। तो आपको क्या काम करना है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली और ये वाली जो लाइन, वो कितनी लेनी है? 3D का मतलब कितना होता है? ये 30 भी ले सकते हैं, यानी 3 के रेशियो में ले लेना है। ठीक है ना, ऊपर का जो ये जो रहेगा, ये वाला जो भाग है, ये आपका हमेशा रखा जाता है 2.5D। ये यहां से और ये यहां तक, समझ आ रहा है आपको? अब आपको क्या काम करना है, इस दूरी के अंदर ये सेम देखिए, यहां से यहां लेके एक सेंटर लाइन लगाई हुई है, यहां से 30 mm ले लिया है और ऊपर 25 mm ले लिया है, और ये कितना लिया हुआ है यहां पे 5D, यानी लगभग 50 mm दूरी ये हमने ली हुई है। ठीक है ना, लाइन आपके हमेशा सीधी होनी चाहिए। ये कितना है आपका? 5D। समझा रहे हैं आपको? 5D का मतलब मैंने 50 लिया तो 5 हिस्से कर लेंगे इसके, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो फर्स्ट लाइन लगा देते हैं ऐसे, थोड़ा फास्टली करता हूं मैं इसको। अगली लाइन लगाएंगे, क्योंकि एक लाइन अगर आपकी टेढ़ी लग जाती है ना, तो अगली लाइन भी टेढ़ी लगती है, यानी तिरछी लग जाती है। और फिर उसके बाद अगली लाइन लगाएंगे। ये लाइन में कितने पे लगा रहा हूं? 10-10 mm पे। 10 को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सॉरी, उसमें सेंटीमीटर में 1-1 cm। यह लाइन लगाने के बाद में हम क्या काम करेंगे,
इसके खांचे बनाएंगे, ठीक है ना। ये दूरी हम कितने रखेंगे, 1D, कितने, ये जो दूरी जो रखी हुई है यहां से लेके यहां तक ये कितनी है, 10 mm। ये दूरी कितनी है आपकी, 10। ये दूरी कितनी है आपकी, 10। ये दूरी कितनी है आपकी, 10, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, अब रैंक बनाने हैं, खांचे बनाने हैं। तो हम क्या काम करेंगे, ये जो लाइन है सीधी करेंगे, ऐसे ऐसे यहां पे इसी तरह इस पे कटेंगे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे खांचे कट जाएंगे इसके ऊपर, इनको खांचों का हम क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं, ठीक है ना। अब इनको इरेज कर देते हैं यहां से, अब इनको इरेज कर देते हैं यहां से। अब देखना आपको ये लगेगा कि बिल्कुल सही तरीके से ये खांचे कटे गए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे खांचे थे, वो तैयार हो गए हैं कट के ऐसे। अब आपको क्या काम करना है, इसके ऊपर सेम करेंगे जो पहले हमने किया हुआ था, इसके ऊपर क्या काम करेंगे, यहां पे एक लाइन में जैसे उसमें लगाई थी ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, सेम प्रोसीजर से उसके ऊपर एक पार्ट्स हम लगाएंगे ऐसे, और इतनी ही दूरी पे सेम पे हमें थ्रेडिंग काटनी है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहां पे ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। इसकी बिल्कुल चीज में यहां से मैंने लिया हुआ है ये, और ऊपर वाला ले लेता हूं ऐसे और ये ऐसे। इसके अंदर क्या करते हैं, हम पार्ट्स लगे हुए हैं ऐसे सेक्शन लाइन काट देंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या काम करना है, इसमें इसके ऊपर क्या लगेगी, हमें वार्सल लगेगी, ठीक है ना। अभी एक वार्सल इसके ऊपर लगा देते हैं, थोड़ा इसको डार्क कर देना है आपको इतने भाग को। अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे, हम लोग नट लगाएंगे, ठीक है ना। तो नट लगाएंगे, एक लाइन यहां पे मैंने कहा था, और चार लाइन टोटल हो जाएगी ना। तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और फिर यहां पे ऐसे और यहां पे ऐसे, और ये जो है यहां पे ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो ये बन के पूरा रेडी हो चुका है भाई, कैसे कैसे है। अब उसके बाद क्या करना है, सल्फर की एक साइड में हम डालेंगे, देखना कैसे कैसे डलेगा, वो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। थोड़ी सी लाइन रॉन्ग लगती है देखो, इसके अंदर आपको क्या करना है, सल्फर या फिर लेड धातु डालनी होती है यहां पे, ठीक है ना। तो मैं ये यहां पे डाल रहा हूं ऐसे ऐसे, उसके बाद में आपको क्या काम करना है, इसमें सेम ऐसे ही बाउंड्री लगानी है आपको बिल्कुल सीधी, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें इरेज कर देता हूं मैं यहां पे। आपको ये कितना रखना है, 5D, तो पूरा मैंने आपको बता दिया है अभी, इसमें यहां पे कट कर जाएंगे ऐसे ऐसे,
और ये क्या चीज डली हुई है यहाँ पर, लेड, ठीक है ना, या फिर सल्फर हम डाल सकते हैं। तो ये दो नंबर हमारा तैयार हो चुका है और ये आपका कितना था, दो नंबर। तो पूरी प्रिय विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे आपका हाई फाउंडेशन तैयार होता है और कैसे रैंक फाउंडेशन तैयार होता है। एग्जाम के अंदर यही पूछा जाएगा आपसे, चाहे आपसे हाई फाउंडेशन बोर्ड पूछे या फिर आपसे रैंक फाउंडेशन बोर्ड बोले पूछे। तो पूरा मैंने विद इन डायमेंशन आपको बता दिया है कैसे कैसे, ये 30 है, ये 25 है, यहाँ से 10 10 10 10 mm के खाने हैं, उसके बाद में हम ऐसे दो पार्ट्स लगा देंगे, वार्स लगा देंगे और प्रिय नट लगा देंगे। तो पूरा इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अगर प्रिय विद्यार्थी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।